हेलो स्टूडेंट्स, अब हम परमाप विचरण निकालते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, उसका हमने एग्जाम्पल लिया है। इससे पहले हमने सूत्र किए थे डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड द्वारा निकालते हैं। ये क्या है, 10 विद्यार्थियों का भार दिया गया है, तो इनको पहले क्रमांक में लिख लिया क्योंकि ये व्यक्तिगत श्रेणी है। तो एन हमारा कितना हो गया, 10। फिर ये भार यानी एक्स किलोग्राम में ये भार दिया गया है, इसका हम जोड़ करेंगे सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स आपका आ गया 510। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो समानांतर माध्य से निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम समानांतर माध्य का सूत्र लिखते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स कितना है, 510, एन है 10, तो x बार इज इक्वल टू 510/10, तो कितना आ गया, 51। अब डेविएशन डी एक्स कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार, और x आपका कितना, x बार कितना है, 51। और चिन्हों का आपने ध्यान रखना है, ये डेविएशन डी लिखा जाता है। फिर 41 माइनस 51, तो कितना आ गया, -10। 44 माइनस 51 माइनस 7, तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे, -6 -2 -1 2 4 4 7 और 9। फिर आपको सूत्र लिखना है, सूत्र आपका क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड द्वारा कैसे निकाला जाता है। पहले हम डायरेक्ट मेथड लेते हैं। इसमें क्या है, ये 10 विद्यार्थियों का भार दिया गया है, तो क्रमांक हो गए हमारे 10, एन हो गया 10। ये भार एक्स इसको लिखते हैं, ये भार, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि समानांतर माध्य से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलना है, तो पहले हम समानांतर माध्य निकालेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार कितना आ गया, सिग्मा एक्स है आपका 510, एन है 10, तो कितना आ गया, 51। तो यहाँ पे हम डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन कैसे, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। अब पहले हम सूत्र लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन का अंडर रूट, यानी डी निकाला डेविएशन, उसका स्क्वायर किया, फिर उसका जोड़ किया, फिर उसको एन से डिवाइड किया, फिर सारे का हमने अंडर रूट कर लिया, तो हमें क्या चाहिए, डी निकलाया, फिर डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस एक्स बार, यानी 41 एक्स बार हमारा कितना आया, 51। 41 माइनस 51 माइनस 10, 44 माइनस 51 माइनस 7, फिर आ गया माइनस 5 सॉरी 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 1, फिर कितना आ गया, प्लस का 2, फिर 4, फिर 4, फिर 7 और फिर 9, ठीक है। कितना आ गया, -10 -7 -6 -2 आएगा यहाँ पे, 49 में से 51 गए, -1 2 4 4 7 9। अब इसको स्क्वेयर करेंगे, -10 को -10 से गुना किया 100, -7 को -7 से गुना किया 49, 6 × 6 36, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 4 × 4 16, 4 × 4 16, 7 × 7 49, 9 × 9 81। अब हम इसका जोड़ कर लेंगे सिग्मा डी स्क्वेयर, तो इसका अगर हम टोटल करते हैं तो वो हमारा आ जाता है 356। अब इसमें पुट करेंगे 356 बटे एन है हमारा 10, इसका अंडर रूट, तो क्या आ गया, सिग्मा 35.6 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट किया 30.6 का, तो वो आपका आ गया
5.97 केजी। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बटे एक्स बार द्वारा कर दो। तो कितना था 5.97, एक्स बार आपका 51, तो कितना आ गया कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 0.117 केजी। तो ये तो एक तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया और ये कॉफिशेंट। तो ये तो था डायरेक्ट मेथड। अब इसी एग्जांपल का हम शॉर्टकट मेथड लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि कल्पित माध्य से जो है डेविएशन निकाले जाते हैं। इसमें तो हमने मीन निकाला था, लेकिन उसमें हम अज्यूम्ड मीन लेंगे। अज्यूम्ड मीन लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं, क्योंकि हमारा ये एक्स तो निकली आया, मीन हमारा कितना आया था, मीन एक्स बार कितना आया था 51। लेकिन इसमें हमने अज्यूम्ड मीन लेना है, तो इसमें मीन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसमें दो कॉलम बनेंगे, पहला बनेगा डी एक्स। डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए। ए अज्यूम्ड मीन मान लो हमने 50 मान लिया, 50 को मानकर चलते हैं, फिर डी एक्स स्क्वेयर, क्योंकि हमें सूत्र में पता है कि सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स बटे एन का होल स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर, यानी डी एक्स निकालेंगे उसका स्क्वेयर करेंगे उसका जोड़, इसमें डी एक्स का जोड़ करके एन से डिवाइड करके उसका स्क्वेयर करना है। तो हमें एक डी एक्स चाहिए, एक डी एक्स स्क्वेयर। अज्यूम्ड मीन है 50, 41 माइनस 50 कितना आ गया माइनस 9, फिर 44 माइनस 50 माइनस 6, इस प्रकार हम निकाल लेते हैं, माइनस 5 माइनस 1 0 3 5 5 8 10। तो इसका अगर हम टोटल करें सिग्मा डी एक्स, इसका टोटल हमारा आ जाता है, प्लस वालों को अलग से जोड़ दिया, ये आ गया प्लस के 31 माइनस 21, तो कितना आ गया 10, प्लस के 10 आ गए। अब डी एक्स स्क्वेयर करते हैं हम, माइनस 9 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई, 81 36 25 109 25 25 64 और 100। अब किया सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर कितना आ गया, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो 366। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ध्यान रखना क्या है, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर कितना है 366, एन कितना है 10, माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है 10 बटे 10 का स्क्वेयर इसका अंडर रूट, तो क्या आ गया, इसको डिवाइड किया 36.6, 10 को 10 से डिवाइड, 1 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर का अंडर रूट 36.6 माइनस 1 का क्या 1 का अंडर रूट, तो क्या आ गया 35.6 का अंडर रूट। तो सिग्मा कितना आ गया 30.6 का अंडर रूट, अगर हम करते हैं तो वो आ जाता है हमारा 5.97 केजी। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी में भी हमारा जो डायरेक्ट मेथड किया था उसमें भी ये आंसर आया था, और शॉर्टकट में भी। ध्यान रखना है डायरेक्ट मेथड में तो आपने मीन निकालना है और उससे डेविएशन निकालने हैं, लेकिन लघु रीति में आपने अज्यूम्ड मीन लेना है। ठीक है, तो कल हम करेंगे खंडित श्रेणी में जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।